नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रह्मा वा विष्णु वा हरिर्जुनो वा नमस्तस्मै विश्वविज्ञं विधिर्वेदं वीरं विराघवैभवं शङ्खमुक्तं यजेर्बुद्धं केशवं शम्भवं शिवं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते गुरुः ब्रह्मः गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे उलानंतन परिषद भगवान की कुंडलपुर के अतिशयकारी बड़े बाबा 1000 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासनायक अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की संत श्रोणियाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की श्रद्धेयारिका दृढ़मती माता जी की अहिंसामय विश्व धर्म की हिंदू जब दर्शन करता है उसको लगते तुम शंकर, मुस्लिम भाई के दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। कितना अद्भुत रूप तुम्हारा मैं अब तक समझ नहीं पाई। मैं तो जब दर्शन करती हूँ मुझको लगते गुरु तीर्थंकर। खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहता है भगवान नहीं दुनिया में शायद आचार्य विद्यासागर जी की मूर्त नहीं देखी, नहीं शायद आचार्य विद्यासागर जी की मूर्त नहीं देखी। मेरे जीवन में संयम रत्नत्रय की जो दौलत है वह सब मेरे गुरु विद्यासागर की बदौलत है। गुरु की मुस्कान एक अदा बन गई है, किसी को दवा मुझे तो दुआ बन गई है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आप सबका नमन हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्तूप दीस ग्रंथ में एक कारिका लिखी है, विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलम पातियन पदभ्रम शम दंडन पात्यते। कि जो विराधक है, जिसका अपकार किया गया है, जिसे सताया गया है, जिसका अपमान किया गया है, तिरस्कार किया गया है, वह अपना अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध क्यों करता है? उसका क्रोध करना उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है। क्योंकि अगर कचड़ा उठाने के लिए फावड़े को कोई नीचे गिराता है तो गिराने वाले को पहले स्वयं नीचे झुकना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर कोई किसी का बुरा करता है तो उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन स्वयं का बुरा तो हो ही जाता है। एक घटना याद आ रही है, एक व्यक्ति के पास गधा था। वह गधे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। अचानक उसका गधा बीमार पड़ गया, वह घबरा गया। घबरा करके डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब अचानक हमारा गधा बीमार पड़ गया है, आप जैसे बने वैसे उस गधे को ठीक कर दें।
डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा देता हूँ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने एक पुड़िया दी और एक लकड़ी की पोंगड़ी दी। तो वह व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब दवा की बात तो समझ में आ गई लेकिन पोंगड़ी की बात समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा को पानी में घोल करके पोंगड़ी में भर देना, पोंगड़ी का एक छोर गधे के मुख में रख देना और दूसरे छोर से तुम फूंक मार देना। दवा गधे के पेट में चली जाएगी और तुम्हारा गधा टनाटन हो जाएगा। खुश होकर कोई घर जाता है, दवा को पानी में घोलता है, पोंगड़ी में भरता है और एक छोर गधे के मुख में रखता है और दूसरे छोर से वह फूंक मारे कि उससे पहले गधा फूंक मार देता है। सारी दवा उसके शरीर पर गिर जाती है, वह घबरा जाता है। घबरा करके डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है डॉक्टर साहब आज मैं आपके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर घबरा जाता है, कहता है क्यों क्या बात है? तो वह कहता है कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं बोलो तो पहले बात क्या है, मुझे पता भी तो होना चाहिए। तो वह कहता है डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए कैसी दवा दी है, हमारा सारा शरीर जल रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं दवा तुम्हारे लिए, दवा तो हमने गधे के लिए दी थी। तो वह कहता है डॉक्टर साहब दरअसल बात यह है कि जैसे ही हमने दवा को पानी में घोला, पोंगड़ी में भरा, पोंगड़ी का एक छोर गधे के मुख में रखा, दूसरे छोर से हम फूंक मारे कि उससे पहले गधे ने फूंक मार दी और हमारा सारा शरीर जल रहा है। तो ऐसी ही स्थिति होती है कि हम फूंक मारे उससे पहले गधा फूंक मार देता है। यानी कि हम किसी का बुरा बुरा करें, बुरा सोचें, उससे पहले हमारा बुरा हो जाता, हमारे कर्मों का बंध हो जाता है। किसी ने कहा है नफरत से नफरत मिले, प्यार से प्यार, जैसा बोया बीज तो वैसा ही फल तैयार, जैसा बोया बीज तो वैसा फल तैयार, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। एक लोटे में दूध भरा है, एक लोटे में पानी, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा रे। एक व्यक्ति ने अपने घर में बबूल का वृक्ष लगाया, रात दिन वह उसी के रख रखाव में लगा रहता, उसे पानी देता, खाद देता, लोग देखते उनको देख करके बड़ा आश्चर्य होता कि आखिर कारण क्या है। एक दिन एक व्यक्ति ने कह ही दिया कि भाई तुम व्यर्थ में इस बबूल के कंटीले वृक्ष को सींच करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो पता है उसने क्या जवाब दिया है? कि भाई तुम्हें नहीं मालूम, कुछ दिनों के बाद इसमें मीठे मीठे आम लगने वाले हैं। यह सुनकर के उस व्यक्ति को हंसी आ गई। बबूल को कितना भी सींचो उसमें कभी आम नहीं लग सकते, क्योंकि कहा गया है जैसा बोगे वैसा काटोगे। हम जैसा बोते हैं वैसा हमें काटने को मिलता है। अगर बबूल लगाते हैं तो बबूल काटने को मिलता है, आम लगाते हैं तो आम खाने को मिलते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है एज यू सो सो सेल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। उसी प्रकार से हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। आचार्यों ने हमारे जीवन के गहन रहस्यों को उद्घाटित करते हुए कहा है कि प्रत्येक प्राणी के पास तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक मन की शक्ति, एक वचन की शक्ति और एक काय की शक्ति। ये तीनों प्रकार की शक्तियां हमारे जीवन के पतन और उत्थान में कारण बनती हैं। अगर हम इन शक्तियों का सही सही उपयोग कर लेते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है, विकास हो जाता है, और अगर हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं तो हमारे जीवन का
क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। देखो रावण कितना शक्तिशाली था, सभी प्रकार की शक्तियां रावण के पास थी, लेकिन रावण ने क्या किया, उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। जब रावण शांतिनाथ भगवान की जिनालय में बैठ कर के ध्यान कर रहा था, तब उसका योग तो शुभ था लेकिन उपयोग अशुभ था। उपयोग अशुभ क्यों था, क्योंकि उसका चिंतन चल रहा था कि श्री रामचंद्र की मृत्यु हो जाए। आचार्य कहते हैं कि अगर उस समय रावण का जो योग शुभ था उसका उपयोग भी अगर शुभ होता तो उस समय रावण को कैवल्य की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उपयोग का दुरुपयोग किया तो रावण की क्या दशा बनी, एक लख पूत सवा लख नाती जा रावण घर दिया न बाती। क्योंकि मन वचन काय इन तीनों के माध्यम से हमारे आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, एक प्रकार का परिस्पंदन होता है जिससे कर्म वर्णाएं आकर के हमारे आत्मा के प्रदेश पर चिपक जाती हैं, संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म बनते हैं तो समय पर वैसा ही हम उसका फल भोगना पड़ता है। प्रवृत्ति शुभ भी होती है अशुभ भी होती है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ के छठे अध्याय में एक सूत्र लिखा है, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ प्रवृत्ति करने से शुभ कर्म का आश्रय होता है और अशुभ प्रवृत्ति करने से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। कर्मबंध की यह प्रक्रिया 2400 घंटे चलती रहती है, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जिस समय हमारे कर्मों का बंध ना हो रहा हो। आठ कर्म होते हैं, आठ कर्म में से सात कर्मों का बंध तो हमेशा होता ही रहता है, क्योंकि आयु कर्म की कुछ अलग व्यवस्था है। लेकिन जब आयु कर्म का भी बंध होता है तो उस समय आठों कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध का संबंध टेप रिकॉर्ड की भांति है। टेप रिकॉर्ड आपने देखा होगा कि उसके सामने हम जो बोलते हैं जैसा बोलते हैं उसमें वैसा ही भर जाता है, और जब हम उसे प्ले करते हैं तो जो भरते हैं वही हमें सुनने को मिलता है। अगर गाली भरते हैं तो गालियां सुनने को मिलती हैं, और गीत भरते हैं तो गीत सुनने को मिलते हैं। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि हम जैसा कृत्य करते हैं उसका वैसा ही परिणाम हमें भोगने को मिलता है। टेप के सामने तो व्यवस्था है, आगा पीछा करने की व्यवस्था है, डिलीट करने की व्यवस्था है। अगर हमें गीत अच्छे लगते हैं तो हम उसे रिवर्स करके बार बार सुन सकते हैं, अगर गालियां अच्छी नहीं लगती हैं तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं। लेकिन कुदरत के टेप के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम जैसा करते हैं जितना करते हैं वैसा और उतना ही हमें भोगना पड़ता है, एक व्यवस्था है। हम एक पल भी एक क्षण भी कोई पाप करते हैं तो उसका फल हमें भाव भवांतरों तक भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किसी ने कहा है तवारीखों के मंजरों को हमने देखा है, तवारीखों के उन मंजरों को भी हमने देखा है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। धृतराष्ट्र के बारे में सुना होगा, धृतराष्ट्र ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु बाप के रहते हुए 100-100 बेटे मर जाएं, बेटों की मृत्यु पर बाप को आंसू बहाने पड़े और कंधा देना पड़े, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा कृत्य किया है, हमने अपने 100 जन्मों के इतिहास को उठा करके देख लिया, ऐसा हमने कोई कृत्य नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा
सम्राट आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। 100 जन्मों तक तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कोई कृत्य नहीं किया है, लेकिन यह उससे भी आगे की बात है। 100 जन्मों के पहले तुम एक सम्राट थे, न्यायप्रिय थे, शाकाहारी थे, लेकिन तुम्हारी कमजोरी थी कि तुम जिह्वा लोलुपी थी। जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो तुम्हें क्या परोसा गया, तुम क्या खा रहे हो, इस बात पर ध्यान नहीं रखते थे। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने भोजन तैयार किया, सब्जी कुत्ता लेकर के चला गया। रसोइया सोचता है कि सम्राट भोजन के लिए आएंगे, गुस्सा करेंगे, वह सब्जी लेने के लिए बाहर जाता है, सब्जी तो नहीं मिलती। वहाँ एक हंस का बच्चा घूम रहा था, वह बच्चे को पकड़ करके लाता है, उसे पका देता है। और सम्राट भोजन करने के लिए आता है तो थाली में परोस देता है। सम्राट भोजन कर लेता है, प्रतिदिन की अपेक्षा आज भोजन में सम्राट को स्वाद ज्यादा अच्छा आया। खुश होकर के गले का हार उतार करके रसोइये को दे देता है। रसोइया बड़ा खुश होता है। अब वह प्रतिदिन क्या करता है, एक हंस के बच्चे को लाता है, पका देता है, परोस देता है। ऐसा कर करके वह 100 हंस के बच्चों को सम्राट को खिला देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो सम्राट, तुमने 100 हंसों के बच्चों का मांस खाया, इसलिए तुम्हारे 100 बेटे तुम्हारी आंखों के सामने मरण को प्राप्त हो गए और तुम देखते हुए भी अंधे बने रहे, इसलिए तुम अंधे हुए। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार तो धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, लेकिन अन्य दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र अंधे थे और रसोइया क्या बना, गांधारी बने। पूरे जिंदगी आंखों पर पट्टी बांध करके निकाल दी गांधारी ने। धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु यह तो हमने अज्ञान अवस्था में किया था, जानकर के थोड़ी कुछ किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जहर चाहे जानकर के खाओ, चाहे अनजान अवस्था में खाओ, मरण तो होता ही है। उसी प्रकार से पाप चाहे जानकर के करो, चाहे अनजान अवस्था में करो, कर्म का बंध तो होता ही है, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। आज सभी अनुकूलता तो चाहते हैं, लेकिन जिन कारणों से हमें अनुकूलताएं मिलती हैं उन कारणों को अपनाना नहीं चाहते। पुण्य के योग में हमें सभी प्रकार की अनुकूलताएं मिलती हैं, स्वस्थ शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, धन वैभव मिलता है, सब कुछ मिलता है। और पाप कर्म के योग में सारी प्रतिकूलता हमें मिलती हैं। हम दुनिया में कहीं भी नजर दौड़ा करके देख लें, सब तरफ पुण्य पाप का खेल ही नजर आता है। आज हमें इस पंचम काल में, कलयुग में आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत मिले हैं, जो इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी चर्या का पालन कर रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जी हमेशा कहा करते थे कि अगर चतुर्थ काल के संत का दर्शन करना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास चले जाओ। आचार्य श्री जी की जो संस्कार हैं अभी, वो बचपन से उनके धार्मिक संस्कार हैं। देखो जब वो ज्ञान प्राप्ति की पिपासा लेकर के मुनि ज्ञान सार जी के पास गए, अपनी भावना रखी कि हम विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, तो मुनि ज्ञान सार जी ने कहा ऐसे तो कई आते हैं और चले जाते हैं। उनने कहा
कहा, कौन ने कहा? ब्रह्मचारी विद्याधर ने कहा कि उनमें हमारी गणना मत करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुनि ज्ञानसार जी ने कहा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तब ब्रह्मचारी विद्याधर ने कहा, विद्याधर। तब मुनि ज्ञानसार जी ने कहा, विद्या प्राप्त करके विद्याधरों की भांति आकाश में उड़के तो नहीं चले जाओगे? तब ब्रह्मचारी विद्याधर ने कहा, गुरुदेव आज से आजीवन सवारी का त्याग करता, देखो कितनी ज्ञान की पिपासा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजीवन सवारी का त्याग कर दिया। जब उनकी मुनि दीक्षा की बात आई तो समाज के जो विद्वान लोग थे, धनवान लोग थे, वो सब विरोध करने के लिए आ गए और मुनि ज्ञान सागर से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ब्रह्मचारी जी को मुनि दीक्षा दे रहे हैं। मुनि दीक्षा लेना गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़े ही है। अगर आपको देना हो तो ये लग दीक्षा दे दीजिए, छुलक दीक्षा दे दीजिए। तब मुनि ज्ञान सागर जी ने कहा कि तुम लोगों को यह छोटा सा ब्रह्मचारी नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो इसके अंदर ब्रह्मा नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बट का एक छोटा सा बीज होता है खसखस के बराबर, वह अगर उर्वरा भूमि में डाल दिया जाता है तो वह विशाल बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर उसकी छत्र छाया में बैठ करके हजारों लोग शांति का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार आगे चल करके यह छोटा सा ब्रह्मचारी एक महान आचार्य बनेगा और इसकी छत्र छाया में हजारों लाखों लोग अपना कल्याण कर रहेंगे, कल्याण करेंगे। उन्हें ज्ञान सागर जी की यह बात शत प्रतिशत सही निकली। आप सब देख ही रहे हैं कि इस पंचम काल में जहां चारों ओर भौतिक वातावरण है, विषय वासनाओं का वातावरण फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में स्वयं आगम के अनुसार चर्या का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन अपने हजारों शिष्यों को भी आगम के अनुसार चर्या का पालन करा रहे हैं। आज वर्तमान में आचार्य श्री जी वो काम कर रहे हैं जो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंदगुण स्वामी, आचार्य भद्रभाव स्वामी ने किया था। सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उनके साथ 2000 साधु विहार करते थे, लेकिन उस समय की बात अलग थी। उस समय ऐसी भौतिक चकाचौंध नहीं थी, विषय वासनाओं का ऐसा वातावरण नहीं था, सारी अनुकूलताएं थीं। लेकिन आज आचार्य श्री जो कुछ भी कर रहे हैं प्रतिकूलताओं के बीच में रह करके कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जिस दिन आचार्य विद्यासागर जी का नाम आचार्य कुंदकुंद आचार्य भद्रभाव स्वामी की कोटि में आने वाला है। आचार्य श्री के जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो कम बोलते हैं लेकिन सुनते ज्यादा हैं। दिन में शयन नहीं करते, मीठा नहीं लेते लेकिन मीठा बोलते हैं, लवण नहीं लेते लेकिन उनका लावण, उनकी सुंदरता देखने लायक है। हरी सब्जी हरे फल नहीं लेते, दूध नहीं लेते, खारक को छोड़कर के कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, चटाई नहीं लेते, कभी थूकते नहीं हैं, किसी को कभी वचन नहीं देते हैं और शिष्यों से भी यही कहते हैं कभी किसी को वचन नहीं देना। अगर कोई बार बार आग्रह करे तो प्रवचन दे देना, लेकिन कभी किसी को भूल करके वचन नहीं देना। शाम की सामाय करने जिस पाटे पर बैठ जाते हैं
तो रात भर उस पार्टी से उठते नहीं है, समय 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 के बाद ही उस पार्टी से नीचे उतरते हैं। अपने आवश्यकों को सजग रूप से करते हैं, समय पर करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जैसे भी आकर के सामने बैठ जाए तो आंख उठा करके भी नहीं देखते अपने आवश्यक करते समय। हमने एक प्रसंग सुनाया था कि संघ में समाचार आया कि मुख्यमंत्री उमा भारती आचार्य जी के दर्शन करने सुबह 7 बजे आने वाली हैं। आचार्य जी को पता भी चल गया, लेकिन चतुर्दशी का दिन था, बड़ा प्रतिक्रमण कर रहे थे, ढाई घंटा पूरा उनको प्रतिक्रमण करने में लगता है। मुख्यमंत्री आकर के बैठ गए, आचार्य जी ने आंख भी उठा करके नहीं देखा, अपना प्रतिक्रमण करते रहे। इतने वो आवश्यकों के प्रति सजग रहते। असह में से किसी वस्तु को उठाने का कभी आदेश नहीं देते। श्रावकों के द्वारा जिन वाणी भेंट करने पर नमस्कार करते हैं। अगर आचार्य जी जहां से निकलते हैं, धर्मशाला जहां रुके हुए हैं और हॉल वगैरह में कमरों में साधु बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी रखी हुई है, अगर आचार्य श्री लघु संघ आदि को जाते हैं तो हाथ में पिच्छी ले लेते हैं, पिच्छी को ऐसा हालात में नमस्कार करते हुए चले जाते हैं। इतनी जिनवाणी की विनय करते हैं आचार्य श्री। कभी किसी की निंदा नहीं करते, ना कभी किसी की निंदा सुनते हैं। देश और संस्कृति की सुरक्षा के लिए चिंतनशील रहते हैं। किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते। बड़े बड़े कार्य हो जाने पर कर्तव्य बुद्धि नहीं रखते। शिथिलाचार और शिथिलारियों का समर्थन नहीं करते। प्रतिक्षण गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, परोक्ष में गुरु की विनय करते हैं। कैसी विनय करते हैं? उस दिन हमने प्रसंग सुनाया था कि गुरु की कैसी विनय करते हैं। जब गर्मी के समय में आचार्य ने केस लॉन्च कर लिया, बहुत ज्यादा अस्वस्थता थी, केस लॉन्च किया, किसी से वैयावृत्ति नहीं करवाई। दूसरे दिन सुबह संघ के साधुओं ने सोचा कि केस लॉन्च की पारणा है, थोड़ी वैयावृत्ति कर दें, सिर में थोड़ा ताजा घी लगा दें। आचार्य श्री से विनय की। आचार्य श्री ने पंजों की मालिश तो करवा ली, लेकिन सिर की मालिश करवाने से मना कर दिया कि महाराज श्री, आचार्य श्री जी सिर की वैयावृत्ति नहीं करा रहे हैं, आप कोई युक्ति निकालें ताकि आचार्य श्री वैयावृत्ति करवा लें। मुनि श्री सोचते हैं कि आचार्य श्री जिस बात के लिए एक बार मना कर देते हैं, फिर कौन ऐसा है जो उनको मना सके? कोई नहीं मना सकता। लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं और एक युक्ति निकाल लेते हैं। कहते हैं, आचार्य श्री जी, गाय का घी है, ताजा है, स्वर्णयुक्त है, सिर की मालिश करवा लीजिए। आचार्य श्री मना कर देते हैं। तब मुनि, जो कि अभी निर्यापक के रूप में हैं, मुनि निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी, वो आचार्य श्री से कहते हैं, आचार्य श्री जी, हम तो बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं। हमने रात में एक सपना देखा, सपने में आचार्य ज्ञान सागर जी दिखे। हमने उनसे कहा कि आज आचार्य श्री जी की केस लॉन्च की पारणा है, उनको क्या देना है आप बता दीजिए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम उनकी सिर में गाय का घी लगा दो। फिर भी आचार्य श्री मौन रहे तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी बोले, आचार्य श्री, हम तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। हम आचार्य ज्ञान सागर जी की बात माने कि आपकी बात माने? जैसे ही आचार्य श्री ने यह सुना, आचार्य श्री गंभीर हो गए, मौन स्वीकृति मिल गई और मुनि प्रसाद सागर जी उनके सिर की मालिश कर दी। जबकि आचार्य श्री जान रहे थे कि मुनि प्रसाद सागर जी ये बहाना बना रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी के सपने का,
लेकिन फिर भी गुरु के प्रति विनय देखो। स्वप्न में भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, परोक्ष में जब गुरु की आज्ञा का ऐसा पालन करते हैं, ऐसी विनय करते हैं, तो प्रत्यक्ष विनय का तो कहना ही क्या, कैसी उनकी विनय करते होंगे। ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री जी, हमेशा आगम के अनुसार चर्या किया करते हैं। तो संसार में हमें पुण्य पाप का खेल ही नजर आता है। हम सबके पुण्य के योग से ही हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। पुण्य के उदय में किसी को सब कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका जन्म होते हुए माता पिता का साया उठ जाता है, दूसरों के यहाँ भीख मांग मांग करके भोजन करना पड़ता है। कुरल काव्य में कहा गया है, उन कहारों को देखूं जो कांधा लेकर के जा रहे हैं, और उन्हें देखूं जो कांधे पर बैठ करके जा रहे हैं। इसे देख करके पुण्य की महिमा को समझो, पाप की महिमा को समझो, पाप से बचने का प्रयास करो। आज प्रत्येक इंसान पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करता रहता है, क्योंकि पाप का फल नरक है और नरक में कोई जाना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति के मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति मर करके स्वर्ग जाते हैं? जाते तो नहीं है लेकिन जाने की इच्छा होती है। आचार्य कहते इच्छा से कुछ भी होने वाला नहीं है। काम करो नरक के और इच्छा रखो स्वर्ग की, तीन काल में ऐसा नहीं हो सकता। पाप की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अपना विकास नहीं कर सकता। कहा गया है हम दुनिया से तो बच सकते हैं लेकिन पाप से नहीं बच सकते, क्योंकि पाप और पारा कभी पचता नहीं है। कहते हैं पाप मंगरी पर बैठ बैठ करके चिल्लाता है, सबके पाप का घड़ा फूटता है। रावण का भी फूटा, कंस का भी फूटा, दुर्योधन का भी फूटा, और एक दिन हमारा भी फूटना है। पाप करके हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं लेकिन कर्मों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। दुनिया का कानून अंधा होता है, दुनिया के कानून के सामने अपराधी छूट जाता है, निरपराधी पकड़ा जाता है, उसे मिल जाती है। लेकिन जो कुदरत का कानून होता है वह सही सही जजमेंट देता है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। उसके सामने किसी का छल नहीं चलता, किसी का बल नहीं चलता, किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं चलती। जब तीर्थंकर जैसे कर्मों से नहीं बचे तो हम सब किस खेत की मूली हैं जो बच जाएंगे। भगवान आदिनाथ के बारे में आता है कि वो 7 माह कुछ दिन तक आहार चर्या के लिए निकलते रहे लेकिन आहार की विधि नहीं मिली। भरत चक्रवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुनि आदि कुमार क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है। सौधर्मेंद्र छायिक सम्यक दृष्टि जिसने जन्म कल्याणक बनाया, गर्भ कल्याणक बनाया, तप कल्याणक बनाया, वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हुआ है, सोच नहीं पा रहा कि आखिर आदि कुमार क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि कर्म कहता है जब तक हम हैं तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे ही कर्म का क्षयोपशम हुआ तो राजा श्रेयांश को, जब वो श्रीमती की पर्याय में थे, भगवान आदिनाथ का जीव बज संघ की पर्याय में था और उन दोनों ने अपने युगल पुत्रों को आहार दिया था, उस समय का स्मरण भूत आता है, विधि मिल जाती है और
आदि कुमार का आहार हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इतने समय तक क्यों घूमना पड़ा, क्यों विधि नहीं मिली, तो इसके बारे में सुनने में आता है। एक आख्यान सुना था, पढ़ा था कि आदि कुमार ने अपने किसी पर्याय में क्या किया था, बैलों के मुख में मूसिका बांधने का उपदेश दिया था। जब खेत में से खलियान में अनाज रखा जाता है और बैल जब क्या करते दाएं करते हैं तो बैल उस अनाज को खा ना ले, तो इसके लिए उन्होंने मूसिका बांधने का उपदेश दिया था। उसका परिणाम यह निकला कि 6-7 माह तक वो घूमते रहे, आहार की विधि नहीं मिली। अंजना ने सिर्फ 22 सेकंड के लिए जैनंद्र भगवान की प्रतिमा को बिना छने जल के अंदर रखा था, उसका परिणाम क्या मिला, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। प्रद्युम्न ने क्या किया था, हंस के बच्चों को 16 सेकंड के लिए उनकी मां से अलग किया था, उसका परिणाम क्या मिला कि प्रद्युम्न को 16 वर्ष तक माता पिता का वियोग सहन करना पड़ा। सीता के वर्तमान को हम देखते हैं तो सहानुभूति बताते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन सीता के साथ जो हुआ सीता के कृत्य का ही परिणाम था। सीता जब वेगवती की पर्याय में थी, मुनि आरिका को लांछन लगाया था, उसका परिणाम यह निकला कि निर्दोष होने पर भी सीता पर लांछन लगा, लोक में सीता का अपवाद फैला। श्रीपाल ने कितने पाप किए, जो जो पाप किया सब चलचित्र की भांति उनके सामने आया। पाप करने के बाद कहीं कहीं से सत प्रेरणा मिली, पश्चाताप किया, लेकिन कहा गया है जो हम पाप करते हैं, जो कर्म बांधते हैं, पश्चाताप भी कर लें, पश्चाताप से 70-75% पाप नष्ट तो हो सकता है, लेकिन और तो भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे हमारा कर्म नष्ट नहीं होता। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम जो पाप कार्य करते हैं उसका परिणाम इस भाव में नहीं, कई भावों के बाद या अगले भाव में हमें भोगने को मिलता है, और अगले भाव को किसने देखा। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जो हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें उसका फल कई भावों के बाद ही मिल सकता है, कुछ भावों के बाद ही मिल सकता है, कुछ वर्षों के बाद ही मिल सकता है, कुछ दिनों के बाद ही मिल सकता है, कुछ घंटों के बाद ही मिल सकता है, और इस भाव का इस भाव में तत्काल भी मिल सकता है। अंतर मुहूर्त के बाद हमें कर्म का फल मिल सकता है। एक घटना याद आ रही है, पाकिस्तान की घटना है, हमारे रोमांचित करने वाली घटना है। एक मुस्लिम परिवार था, परिवार में माता पिता थे, 3 बच्चे थे, एक 2.5 साल का, एक 4 साल का और एक गोद का बच्चा था। परिवार प्रमुख जो था वह प्रतिदिन एक मुर्गा हलाल करता था। जब वह मुर्गा हलाल करता, मुर्गा चीखता, तो वह परिवार जो प्रमुख था अट्ठास करता, जोर जोर से हंसता। जब बच्चे यह देखते तो सोचते पिताजी कोई खेल खेल रहे हैं, और यह देख करके बच्चे बड़े खुश होते। एक दिन पिता किसी काम से बाहर चला गया, बड़े बेटे ने सोचा चलो आज पिताजी घर पर नहीं है, मुर्गा नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं अपन यह खेल खेल लेते हैं। उसने अपने बीच वाले भाई को पकड़ा, उसकी गर्दन को अपने पैर से दबाया, एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से चाकू उसके गर्दन पर चला दी। वह जोर से चीखा, इधर माँ अपने छोटे बालक को टब में लिटा करके स्नान करा रही थी। चीख की आवाज सुन करके माँ दौड़ करके आई, जैसे माँ की आने की आवाज बेटे को आई वह घबरा गया, घबरा करके छत पर चला गया और अपना क्या किया, संतुलन बिगाड़ दिया, छत से नीचे कूद गया और मरण को प्राप्त
हो गया। इधर गर्दन की नस कट जाने थे, वह बेटा भी मर चुका था। माँ जब यह दृश्य देखती है मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। जब होश में आती है तो सोचती है, अरे हम अपने छोटे बेटा को तो टब में ही छोड़ करके आ गए थे, और जैसे वहां जाकर के देखती है तो वह बेटा भी पेट में पानी चले जाने से मर जाता है। तत्काल का तत्काल फल मिल गया। ऐसी घटनाएं हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन भय नहीं होता। आचार्य कहते हैं पापों से भय खाने की कोशिश करो। लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पाप करके भयभीत होते हैं और एक पाप से भयभीत होते हैं। पाप करके भयभीत होने वालों की संख्या अधिक है, पाप से भयभीत होने वालों की संख्या बहुत कम है। जो पाप करके भयभीत होते हैं वो कैसे होते हैं, हैं? डरपोक होते हैं। लेकिन जो पाप से भयभीत होते हैं वो दयालु होते हैं। और ऐसे जो होते हैं जो पाप से भयभीत होते हैं वो कभी अपने जीवन पाप कार्य करते नहीं हैं। कहा गया है पापी से नहीं पाप से घृणा करो, क्योंकि पापी तो पापों से दूर होकर के अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन अगर हम पापों से हमें घृणा नहीं है तो हम पाप से कभी बच नहीं सकते। पाप से तीन प्रकार से हम बच सकते हैं, इहलोक भय, परलोक भय, आत्म भय। तीन प्रकार से हम बच सकते हैं। इहलोक भय का मतलब है कि अगर हम पाप कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमें गलत दृष्टि से देखेंगे, हमें दंड आदि दिया जाएगा। परलोक भय, मर करके हम नरकों में जाएंगे, नरकों में कैसी कैसी वेदना को सहन करना पड़ता है। और आत्म भय, हमारी अगर हम पाप कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा कलंकित हो जाएगी, हमारे आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम पापों से बच सकते हैं। तीन प्रकार की वृत्ति वाले लोग होते हैं, एक जघन, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। जघन वृत्ति वाले वो होते हैं जो बड़े बड़े पाप कर लेते हैं लेकिन उनको लगता ही नहीं कि हम पाप कार्य कर रहे हैं, कभी पश्चाताप भी अंदर नहीं होता। जैसे बूचड़ खाने जो कसाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों को कैसा काटते हैं, एक जानवर को काटने के 20-25 रुपए मिलते हैं, लेकिन कैसा काटते हैं वो, ऐसा काटते हैं जैसे सब्जी भाजी काट रहे हो, बिल्कुल रहम, बिल्कुल दया उनके अंदर नहीं होती। ऐसे लोग जघन वृत्ति के हैं, मानवता के नाम पर कलंक हैं। दूसरे वो होते हैं जो पाप करते नहीं है, करना पड़ता है। जैसे कोई गृहस्थी बसा लेता है तो गृहस्थी में रह करके आरंभ सारंभ को करना पड़ता है, सोचते हैं देखो हमने गृहस्थी बसा इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है, करने की इच्छा नहीं होती है और हमेशा तड़पते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान वो दिन कब आए जिस दिन हम इन पापों से छूट जाए। मध्यम वृत्ति के लोग होते हैं। और जघन उत्कृष्ट वृत्ति के लोग वो होते हैं जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, सज्जन होते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर प्रण ना जाए। कैसे भी संवेग आवेग अंदर आए लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं लेकिन समुद्र सीमा का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं, उत्कृष्ट वृत्ति वाले होते हैं, वो किसी प्रकार से अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। आप लोग इसमें से कौन सी वृत्ति वाले हैं आप ही जान सकते हैं। तो हमें पापों से भयभीत होने की कोशिश करना चाहिए। श्रीमद् रायचंद जी हुए हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि अगर हम पापों से बचना चाहते हैं तो हमें तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है, कदम कदम पर पाप है, नजर उठाओ तो जहर चढ़ता है। काल सिर पर सवार है मतलब मौत हमारे सामने मुंह खोल करके खड़ी है, पता नहीं मुझे कब अपना ग्रास बना ले। जो इस प्रकार से सोच करके चलता है वह कभी पाप कार्य नहीं कर सकता। कदम कदम पर पाप है,
हम जो भी कदम उठा करके रखते हैं हमारी प्रत्येक वृत्ति में पाप है। जो ऐसा सोच करके चलता है कभी पाप कार्य नहीं कर सकता। नजर उठाओ तो जहर चढ़ता है। दुनिया में चारों तरफ विषय वासनाओं का जहर फैला हुआ है। जहां भी देखो नजर उठाओ विषय वासनाओं का जहर चढ़ता है। तो अगर हम तीन बातों को ध्यान में रखते हैं तो कभी पाप में हमारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। भरत चक्रवर्ती कितने बड़े चक्रवर्ती थे, प्रथम चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे। जब सुबह उनको उठाया जाता था तो घंटा बजता था, घंटे में से नाद निकलती थी, आवाज निकलती थी, भयम बढ़ते भयम बढ़ते भयम बढ़ते, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। चक्रवर्ती को किसका भय बढ़ रहा है? पापों का भय बढ़ रहा है, मौत का भय बढ़ रहा है। जो इस प्रकार की भावना से जाग करके उठेगा उसका जीवन कितना मंगलमय बनेगा। हमें भी सुबह सुबह प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जिससे हमारी आत्मा को कलंकित होना पड़े। हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि आज के दिन हमसे अच्छे अच्छे कार्य हो, और रात्रि में जब सोते हो तो परमात्मा को धन्यवाद देना और कहना कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा आज दिन अच्छा निकला, रात भी अच्छी निकले, ताकि कल की शुरुआत अच्छे से हो सके। अगर इस प्रकार की भावना करते हो तो कभी भी हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन मंगलमय बन सकता है। आचार्य श्री अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति ऐसे ही सावधानी पूर्वक करते हैं। आचार्य श्री का अपने शिष्यों के प्रति कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, और आचार्य जी की हमेशा तत्वों के प्रति दृष्टि रहती है। प्रत्येक चीज में से वो तत्व निकाल ही लेते, कुछ भी देखते हैं तो उसमें से तत्व निकाल लेते हैं। एक बार आचार्य श्री खजुराहो से विहार करते हुए जा रहे थे, शहर के बाहर जब वो हवाई अड्डे तक पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक हवाई जहाज उड़ान भर रहा था। आचार्य श्री ने जब देखा तो आचार्य श्री वहीं खड़े हो गए। साथ में जो श्रावक थे उनसे पूछा कि हवाई जहाज कौन सी धातु का बनता है, तो एक श्रावक ने कहा कि आचार्य श्री जी यह एल्यूमियम धातु का बनता है, यह धातु वजन में बहुत हल्का होता है और बड़ा मजबूत होता है। जैसे ही आचार्य श्री ने सुना तो बड़े बड़े खुश हुए और कहा कि जो जितना हल्का होता है, क्या जो जितना हल्का होता है वह उतना ऊपर उठता है, और कह करके आचार्य श्री आगे चले गए। आचार्य श्री के अंदर बहुत ही ज्यादा करुणा है, बहुत ही ज्यादा दया है। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री कटनी में थे, गर्मी का समय था, अस्वस्थ थे, बोर्डिंग में एक चबूतरे के ऊपर बैठकर के सामायिक कर रहे थे। दो बालक वैयावृत्ति करने के लिए आए, अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, फिर भी वो दोनों अंदर चले गए। अंदर देखा तो घबरा गए, क्या देखा, उनके लिए काली आकृति दिखाई पड़ी, क्या काली काली आकृति दिखाई पड़ी। सोचते हैं कि यह कोई भूत तो नहीं है, डर करके भागने लगे। लेकिन बाद में जब दोनों ने विचार विमर्श किया और कहा कि शायद कोई काले कपड़े पहन करके आचार्य श्री के पास बैठा हो, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते अंदर पहुंचे आचार्य श्री के पास। क्या देखते हैं, आचार्य श्री के सारे शरीर में मच्छर लगे हुए हैं, मच्छरों के कारण आचार्य श्री का सारा शरीर काला काला दिख रहा था। अब वो दोनों बालक बिना किसी को कुछ बताए आपस में सलाह करके घर जाते हैं, घर से एक मच्छरदानी लाते हैं और सोचते हैं कि देखो इतने सारे मच्छर आचार्य श्री को काटेंगे, वैसे अस्वस्थ हैं, बुखार और ना आ जाए।
तो मच्छरदानी को क्या करते हैं, पहले तो आचार्य की प्रतीक्षा करते हैं कि उठ जाए, लेकिन देर हो जाती है, मच्छरदानी बांध देते हैं और सोचते हैं सुबह आकर के निकाल लेंगे। मच्छरदानी लगा करके चले जाते हैं। सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि आचार्य श्री मच्छरदानी के अंदर बैठे हुए हैं। समाज के जो मुखिया लोग थे वो आचार्य श्री के पास खड़े हुए हैं। दोनों बालक जब ये दृश्य देखते हैं सोचते हैं आकर बात क्या है। अजमेर के कजौड़ी मलवी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यह मच्छरदानी किसने लगाई। तो लोग कहते हैं हम पता नहीं किसने लगाई है। जब ये बालक यह सुनते हैं तो सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, हमें शाबाशी मिलेगी। तो कहते हैं हमने लगाई है मच्छरदानी। तब कजौड़ी मल जी कहते हैं कि तुमने लगाई है, तुम्हारे कारण आज आचार्य जी के ऊपर उपसर्ग हुआ है। पूरी रात्रि विश्राम कौन कीनो, सारी रात आचार्य ने विश्राम नहीं किया है और बहुत डांटा उन बालकों को, उनका पकड़ करके कान भी खींच दिया। तब भी दोनों बालक जोर जोर से रोने लगे, क्षमा मांगने लगे कि हमने तो अच्छा सोचा था, हमने सोचा कि अगर ये मच्छर आचार्य को काट लेंगे तो पुनः बुखार आ जाएगा, इसलिए मैं मच्छरदानी लगाई थी। तो पाप पुण्य के ऊपर बात चल रही थी, अपने कर्मों के ऊपर अपनी बात चल रही थी। बंधु ध्यान रखना, यह मानव पर्याय हमें बड़ी दुर्लभता से मिली है। इस मानव पर्याय का हमें बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जब अपनी करनी का फल ही हमें भुगतना पड़ता है तो हम ऐसी करनी क्यों ना करें जिससे हमें सब कुछ अच्छा मिले। तो हमें हमेशा अच्छी करनी करना है। इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि जब तक हमें पाप से भीति नहीं होगी तब तक प्रभु से हमारी प्रीति नहीं हो सकती, और जब तक प्रभु से प्रीति नहीं होगी तब तक हमें स्वयं की प्रतीति नहीं हो सकती है। अगर हमें स्वयं की प्रतीति करना है तो हमें पाप से भीति करने की आवश्यकता है और प्रभु से प्रीति करने की आवश्यकता है। आचार्य श्री के बारे में चंद्रसेन एक कवि हैं, उन्हें बहुत अच्छी कविता लिखी है, सूरज का अपनी किरणों से, सूरज का अपनी किरणों से जब तक यह अनुबंध शेष है, सूरज का अपनी किरणों से जब तक यह अनुबंध शेष है, सागर का अपनी लहरों से जब तक यह संबंध शेष है, जब तक पनघट पर पनहारन, जब तक पनघट पर पनहारन, घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के घर दीप जलेंगे, जब तक यह प्रभात रहेगी, जब तक यह प्रभात रहेगी, तितली के पंखों पर जब तक, तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौगात शेष है, जब तक सृष्टि के अधरों पर, जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा, विद्यासागर नाम रहेगा। प्रातःकाल उठकर सूरज ने, प्रातःकाल उठकर सूरज ने भेजा यह संदेशा, और समय ना संदेशों को, और समय ना संदेशों को सबसे पहले देखा, पंख लगाकर हवा चली तो, पंख लगाकर हवा चली तो जंगल से कहे आई, जंगल ने खबर चहक कर, जंगल ने खबर चहक कर नदिया तक पहुँचाई, नदिया ने यह खबर छाप दी, नदिया ने यह खबर छाप दी सागर के पन्नों पर, सागर ने यह खबर, सागर से यह खबर ले गए नभ के पार जलोधर, सागर से यह खबर ले गए नभ के पार जलोधर, फूलों के घर झरनों के, फूलों के घर झरनों के स्वर, सब में यही खबर है, बड़े और छोटे बाबा की जोड़ी अजर अमर है, बड़े और छोटे बाबा की जोड़ी अजर अमर है, बड़े बाबा का बड़ा नया घर, बड़े बाबा का बड़ा नया घर आंख खोल रहा है, बड़े बाबा का बड़ा नया घर आंखें खोल रहा है, मौन मुखर होकर पर्वत हर पत्थर बोल रहा है, गुरुवर ने कहा था हमसे, गुरुवर ने कहा था हमसे उसे करके दिखलाया, बड़े बाबा को नए घर में, बड़े बाबा को नए घर में फूलों जैसा पहुंचाया, लाखों लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा सबका अनुमान सही था, गुरुवर
गुरुवर ने जो किया किसी के बस का काम नहीं था, गुरुवर ने जो किया काम वह सबके बस का नहीं था। बुंदेलखंड की धराधाम पर, बुंदेलखंड की धराधाम पर स्वर्ण इतिहास बनेगा, बुंदेलखंड की धराधाम पर स्वर्ण इतिहास बनेगा। दोनों बाबा जयवंत रहेंगे, दोनों बाबा जयवंत रहेंगे, कुंडलपुर जयवंत रहेगा, कुंडलपुर जयवंत रहेगा। एक कविता और है, डॉक्टर नरेंद्र कवि जो भोपाल के हैं। हीरा तो हीरा होता, हीरा तो हीरा होता उसको फर्क नहीं पड़ता, हीरा तो हीरा होता उसको फर्क नहीं पड़ता, जितना अधिक तराशेंगे उतना ही तेज दमकता है, जितना अधिक तराशेंगे उतना ही तेज दमकता है। कई सदियों से काम अधूरा, कई सदियों से काम अधूरा तुमने गुरुवर कर डाला, कई सदियों से काम अधूरा गुरुवर तुमने कर डाला, असली रूप तुम्हारा गुरुवर तुमने ही तो दिखलाया, असली रूप तुम्हारा गुरुवर तुमने ही तो दिखलाया। जितने बड़े बड़े बाबा थे, जितने बड़े बड़े बाबा थे वैसा ही घर बनवाया, सारी दुनिया समझ गई तुम कितने बलशाली हो, सारी दुनिया समझ गई तुम कितने बलशाली हो। सूरज कभी नहीं कहता कितनी भी बादल भारी हो, सूरज कभी नहीं कहता कितना भी बादल भारी हो। बड़े बाबा छोटे बाबा में, बड़े बाबा छोटे बाबा में ऐसा कुछ अनुबंध हुआ, स्वर्ग धरा के यजमानों का, स्वर्ग धरा के यजमानों का धरती पर आगमन हुआ, स्वर्ग धरा के यजमानों का धरती पर आगमन हुआ। समय रुका उसने भी देखा, समय रुका उसने भी देखा, दोनों का इस गान किया। सूरज चलना भूल गया कुंडलपुर में आंध्र का, सूरज चलना भूल गया कुंडलपुर में आंध्र का। इस हवा सरकती पोरपुर में, हवा सरकती पोरपुर में पार समुद्र डूल गई, पल में मौसम बदल गया। हवा सरकती पोरपुर में पार समुद्र डूल गई, पल में मौसम बदल गया। उठे फूल से प्रथम जनेश्वर, उठे फूल से प्रथम जनेश्वर विद्यासागर फबक पड़े, उठे फूल से प्रथम जनेश्वर विद्यासागर फबक पड़े। नहीं समाई खुशी हृदय में, नहीं समाई खुशी हृदय में सागर जैसे उमड़ पड़े, सागर जैसे उमड़ पड़े। पूरा पर्वत भींग गया, पूरा पर्वत भींग गया विद्यासागर की धारा से, पूरा पर्वत भींग गया विद्यासागर की धारा से। चट्टाने बन गई अहिल्या, चट्टाने बन गई अहिल्या अश्रु छिड़के जाने से, चट्टाने बन गई अहिल्या अश्रु छिड़के जाने से। श्रद्धा का सैलाब समुंदर, श्रद्धा का सैलाब समुंदर हर आंखों से फूट गया, तुमने जो कर दिखलाया, तुमने जो कर दिखलाया कोई नहीं कर सकता है, तुमने जो कर दिखलाया कोई नहीं कर सकता है। महावीर का रूप हो तुम महावीर कर सकता है, महावीर का रूप हो तुम महावीर कर सकता है। बड़े बाबा का बड़ा काम एक अचंभा है, बड़े बाबा का बड़ा काम एक अचंभा है, तुमने जो इतिहास रचा हुआ लंबा है, तुमने जो इतिहास रचा हुआ लंबा है। लाखों आंखें टिकी हुई थीं इस अद्भुत से काम पर, लाखों आंखें टिकी हुई थीं इस अद्भुत से काम पर, लाखों प्रश्नों का उत्तर तुमने गुरुवर दे डाला। गूंज उठी धरती अंबर जयकारों का ढोल बजा, ढोल चला जब बड़े बाबा का, ढोल चला जब बड़े बाबा का सारी धरती डोल गई, ढोल चला जब बड़े बाबा का सारी धरती डोल गई। शेष नाग भी थरक उठे, शेष नाग भी थरक उठे धरती पूरी महक उठी। जब तक ये धरती जिंदा, जब तक ये धरती जिंदा तब तक इतिहास रहेगा, जब तक ये धरती जिंदा तब तक इतिहास रहेगा। प्रथमान युग के पन्नों में, प्रथमान युग के पन्नों में अध्याय जुड़ेगा, प्रथमान युग के पन्नों में अध्याय जुड़ेगा। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। अब अंत में सिर्फ कुछ पंक्तों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बार बार नर्तन नहीं मिलता क्यों बेकार करे, गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। तीन लोक में प्रभु मिल सकते गुरु नहीं मिलते, कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते,
कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या सह जाते, क्या क्या सह जाते। लो संत सुनयाचे गुरु विद्यासागर महाराज के अहिंसा वही विश्व धर्म के नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।